बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फिट एंड फाइन। आई एम योर लैंग्वेज टीचर इमरान शाह। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद अ लेसन पॉट होल, विच मीन्स जमीन या रोड में बन जाने वाला गढ़ा, जो कि आमतौर पर पानी जमा होने से बनता है। फ्रॉम आर न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3, दिस स्टोरी इज रिटन बाय एन इंग्लिश वेल नोन ऑथर, निकोलस हॉर्सबर्ग। सो प्लीज ओपन योर बुक एट पेज नंबर 33। Now it's explanation time, so listen to me carefully. Our chapter name is Pothole. इस कहानी में एक लड़की फायजा के बारे में बताया गया है। फायजा एक समझदार लड़की होती है। ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक दिन फायजा अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखती है कि एक और कार सड़क पर फंसी हुई है, यानी रुक गई है। ड्राइवर और एक बूढ़ा आदमी कार का अगला व्हील तब्दील कर रहे होते हैं, यानी उसे निकाल कर दूसरा व्हील लगा रहे होते हैं। फायजा ये भी देखती है कि वो दोनों आदमी तपती और झुलसा देने वाली धूप में काम कर रहे थे, जबकि एक औरत और दो बच्चे सड़क किनारे लगे एक दरख्त के नीचे आग बरसाते सूरज की तपिश और गर्मी से बचने के लिए बैठे व्हील के तब्दील होने का इंतजार कर रहे थे। ये मंजर देखने के बाद फायजा अपना कंप्यूटर ऑन करके कैलेंडर खोलकर एक पेपर पर नोट्स बनाने लगती है, यानी कुछ हिसाब किताब करना शुरू कर देती है। काम के दौरान फायजा अपने आप से कहती है कि इतने सारे हादसात और वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में, लिहाजा कुछ तो जरूर करना ही पड़ेगा ताकि ये हादसात ना हो। और अब ये सड़क बहुत ही खतरनाक हो गई है, खास तौर पर बराबर में मौजूद एक किंडरगार्टन यानी छोटे बच्चों के स्कूल के बच्चों के लिए। फायजा उठकर एक बार फिर खिड़की से बाहर देखती है तो वहां उसे वो दोनों आदमी गाड़ी का व्हील बदलने के बाद एक पुराने कपड़े से अपने हाथ साफ करते नजर आते हैं, जबकि वो औरत और बच्चे अब गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। और फिर जल्दी गाड़ी आगे अपने सफर पर रवाना हो जाती है। और अब एक बार फिर सड़क पर बना वो घड़ा अपना मुंह खोले खामोशी से अपने नए शिकार का इंतजार कर रहा होता है। ये देखकर फायजा वापस अपने कंप्यूटर पर आती है और एक खत लिखती है। फायजा को खत लिखे एक नहीं बल्कि 3 हफ्ते गुजर चुके होते हैं। फायजा हर रोज ही अपने लिखे हुए खत के जवाब के इंतजार में रहती है, लेकिन खत का जवाब नहीं आता। और हर गुजरते दिन के साथ साथ फायजा अपनी बनाई हुई फेरिस की हादसात में एक हादसे का इंदराज जरूर करती रहती है। सड़क पर बने खौफनाक और खामोश शिकारी घड़े का शिकार कभी कोई रिक्शा होता तो कभी कोई साइकिल सवार इस घड़े में गिरकर जख्मी हो जाता, तो किसी दिन कोई सामान से भरी बास्केट सड़क के इस घड़े में उलट जाती, तो कभी कोई लॉरी यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला एक बड़ा ट्रक या व्हीकल गाड़ी की वजह से पंक्चर हो जाता। आए दिन उस घड़े की वजह से होने वाले हादसात और नुकसानात को देखकर आखिरकार फायजा एक दिन खुद से कहती है, बस बहुत हो चुका, अब मैं एक लम्हे भी मजीद इंतजार नहीं कर सकती। ये फैसला कर लेने के बाद फायजा एक बास्केट लेकर अपने गार्डन से इसमें मिट्टी और फिर उसके बाद अपने बैग को टूटे हुए खुश्क पत्तों और खाद से भर लेती है। इसके साथ साथ बड़ी एहतियात से कुछ फूलों वाले पौधे जमीन से निकालकर खुश्क पत्तों और खाद के साथ अपने बैग में रख लेती है। पानी का एक केन भरकर वो 3 बड़ी और लंबी लकड़ी के टुकड़े और कुछ बोर्ड पेंस भी अपने साथ ले लेती है। फिर वो ये तमाम सामान अपने सामने के दरवाजे पर रखकर वापस अपने कमरे में जाकर 3 बड़ी कार्ड शीट्स ले आती है और उस पर कुछ लिखकर कुछ निशानात भी बना देती है। शाम के वक्त फायजा वो तमाम सामान लेकर घर से बाहर आकर सड़क किनारे आ जाती है और लकड़ी के 2 टुकड़ों पर वो 2 शीट्स लगाती है जिस पर उसने कुछ लिखा और बनाया होता है। सड़क के दोनों किनारों पर फिर लकड़ी के इन डंडों को पत्थरों की मदद से जमीन में गाड़ देती है और इस तरह यह एक साइन बोर्ड की तरह बन जाता है जिस पर लिखा आसानी पढ़ा जा सकता था और जिस पर वाजे लिखा होता है कि ये सड़क बंद है। ये काम सर अंजाम देने के बाद फायजा घड़े तक वापस आती है और मिट्टी से भरी पूरी बास्केट उस घड़े में उलट देती है। फिर उसमें वो खुश्क टूटे पत्ते और खाद डालकर उन्हें मिट्टी के साथ मिक्स कर देने के बाद उसमें अपने साथ लाए हुए छोटे पौधे लगाकर उन्हें पानी देती है। ये तमाम काम करने के बाद फिर वो तीसरी लकड़ी निकालकर उसे वहीं मिट्टी में गाड़ कर उस पर पिन की मदद से कार्डशीट लगा देती है और उस पर एक रंगीन साइन बना हुआ होता है। ये तमाम काम करने के बाद फायजा सड़क पर रखे रोड क्लोज के साइन बोर्ड को हटाकर घर वापस आ जाती है और जब अपने घर की खिड़की से बाहर रोड पर नज़र डालती है उसे अब वहाँ सड़क पर मौजूद खतरनाक गड़े के बजाय एक छोटा सा खूबसूरत गार्डन नज़र आता है। और फिर जल्द ही वहाँ रोड पर मौजूद इस छोटे से
से गार्डन के गिर्द काफी लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं और इन सब लोगों के साथ साथ किंडरगार्टन स्कूल के बच्चे भी फायजा के लगाए गए इस छोटे से गार्डन को रुक रुक कर देख रहे होते हैं, क्योंकि रोड का यह हिस्सा अब एक छोटी सी चौरंगी की सूरत इख्तियार कर चुका होता है और अब हर कोई जो भी वहां से गुजरता है वो बड़ी एहतियात के साथ अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करते हुए और मुस्कुराते हुए वहां से अपनी गाड़ी गुजारता है। और दूसरे दिन रोड के बीचों बीच लगे इस छोटे से गार्डन पर एक आदमी कैमरा लिए आप पहुंचता है और फायजा के लगाए गए इस गार्डन की काफ़ी तस्वीरें लेता है और फिर थोड़ी देर बाद वो तमाम तस्वीर अखबारात में छप जाती हैं। यही नहीं बल्कि थोड़ी देर बाद शहर का मेयर और पुलिस चीफ भी वहां पहुंचते हैं और अब जल्द ही फायजा के लगाए गए इस छोटे से गार्डन को वहां से हटाकर रोड का वो गढ़ा भर दिया गया होता है और अब वो जगह जहां वो गढ़ा था रोड का वो हिस्सा अब चमकता दमकता दिखाई दे रहा होता है। वो जगह जहां फायजा के गार्डन को रोड के बीच से निकालकर लगाया गया था अब फायजा गार्डन के नाम से जानी पहचानी जाती है और अब ये खूबसूरत गार्डन फूलों से भरा हुआ होता है। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक नाउ इट्स रीडिंग टाइम, बट हम रीडिंग से पहले इस टॉपिक के वर्चुनों को डिस्कस करेंगे। सो लिसन टू मी केयरफुली। आवर फर्स्ट वर्ड इज ब्लेजिंग, means shining brightly and hot, roshan chamakdar aur garam. Our second word is compost, means a mixture of leaves and manure used to improve soil, khad wagaira. Our third word is finally, means at last, at the end, aakhirkar ya aakhir mein. Our fourth word is gaping, means वाइड ओपन यानी खला या फिर काफ़ी खुली हुई जगह। और फिफ्थ वर्ड इज़ ऑन कमिंग, मीन्स कमिंग नियरर करीब आना। और सिक्स वर्ड इज़ रैक्स, मीन्स स्क्रैप्स ऑफ क्लोथ फॉर क्लीनिंग साफ करने का कपड़ा। और सेवेंथ वर्ड इज़ शेल्टरिंग, मीन्स टेकिंग कवर फ्रॉम रेन विंड और सनशाइन बारिश हवा और धूप से बचने के लिए सायादार जगह। और एट वर्ड इज स्टक, मीन्स टू बिकम फिक्स्ड इन अ प्लेस पास्ट टेंस ऑफ स्टिक यानी लगा देना या जमा देना। और नाइन्थ वर्ड इज स्वैप, मीन्स टर्न असाइड फ्रॉम अ स्ट्रेट कोर्स चेंज डायरेक्शन स्विफ्टली सिम्त को तब्दील करना। और टेंथ वर्ड इज विक्टिम, मीन्स अ पर्सन हु सफर्स इंजरी और इज हार्म्ड किसी मुश्किल या परेशानी का शिकार होने वाला शख्स। डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स रीडिंग टाइम। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि हम इस वीडियो में इस टॉपिक के 1.5 पेज की रीडिंग करेंगे और बाकी 1.5 पेज की रीडिंग आप सब लोग घर पर बतौर होमवर्क खुद करेंगे। सो लिसन टू मी केयरफुली, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टॉपिक नेम इज पॉट होल। फायजा लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो, अनदर कार वॉज स्टक इन the road. The driver and an older man were changing one of the front wheels. Faiza watched as the man worked in the blazing sunshine. A woman and two children were sitting beside the road under a tree, sheltering from the sun. Faiza switched on her computer. She opened her calendar and began making notes on a sheet of paper. So many accidents in just 2 weeks, said Faiza to herself. Something must be done. The road is too dangerous for the children of the kindergarten next door. Faiza looked out of the window again. The man had fixed the wheel and were wiping their hands on some old rags.
द वेमेन एंड चिल्ड्रन वर इन साइड द कार सून द कार ड्रोव अवे द बिग पॉट होल इन द रोड लाइक अ गैपिंग माउथ वेटेड डार्कली फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम फाइजर रिटर्न टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर अ वीक वेंट बाय थ्री वीक्स वेंट बाय फाइजा वेटेड एवरी डे फॉर अ रिप्लाई टू हर लेटर नो रिप्लाई केम एवरी डे फाइजा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग ऑटो स्टक साइक्लिस्ट फॉल्स इन टू गटर मैन इंजर्ड बास्केट्स फॉल इन टू रोड लॉरी हैज अ पंक्चर दैट्स इनफ सेड फाइजा टू हरसेल्फ आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर Dear students, here comes the title page of the topic pothole. So, before starting to write down the question answers and words meaning and the relevant exercises from the textbook, all of you will make a beautiful and proper title page of this topic as shown on your computer screen. Dear students, जो स्लाइड आप इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं इसमें ये बताया गया है कि वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स और तमाम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज आपने अपनी स्कूल की क्लास वर्क कॉपी में करनी है और आप सब नोट कर लें कि किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मुश्किल पेश आने की सूरत में आप सब मुझसे रोज़ाना सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूल आकर मिल सकते हैं After reading, now I am going to read out the question answers. तो आप सब मुझे गौर से सुनेंगे और मेरे साथ साथ इन question answers को पढ़ते भी जाएंगे. Question number A. What had happened to the car that Faiza saw from her window? The answer is, it was stuck in the road and needed to have a tire change. Question number B. When did a traffic jam occur and why? The answer is the traffic jam occurred on August 1st. Question number C. How many accidents had taken place in 2 weeks? The answer is 9. Question number D. Which words are used to describe the pothole? The answer is the pothole is described as big like a gaping mouth waiting for its next victim. Question number E. Which things did Faiza collect? Answer is Faiza collected a basket, soil, compost, small flowering shrubs, a watering can full of water, 3 long lengths of wood, some board pens and 3 large sheets of card. Question number F. Where did Faiza place the 3 signs that she had made? The answer is Faiza placed 1 sign at each end of the road. Then she placed the 3rd sign in the pothole garden. Now, here comes the exercises pages of our textbook. यहाँ हमारी textbook के 3 pages दिए गए हैं आप सब नोट कर लें कि जिन textbook exercises को mark, यानी निशान लगाया गया है आपने सिर्फ उन्हीं exercises को solve करके अपनी copy में लिखना है So, this is our page number 1, this is our page number 2, and here comes the page number 3. Now it's time to do workbook exercises. Here comes the relevant information about workbook exercises. Dear students, note फरमा लीजिए Workbook की तमाम exercises workbook में ही solve की जाएंगी. Dear students, here we have a new Oxford Modern English Workbook 3. मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास ये workbook ज़रूर मौजूद होगी. Dear students, we have 2 pages of our workbook which to be done in your workbook. और सिर्फ वही exercises attempt की जाएंगी जिन्हें tick किया गया है. So, this is our page number 1 and this is our page number 2. Thank you all of you.